हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक पोस्ट बनाते हैं, उसी के साथ साथ कैटेगरीज क्या होती हैं, देन उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की सेटिंग्स क्या होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेटिंग्स। हम देखते हैं कि सेटिंग्स किस किस तरह की होती है। सो यहाँ पे हमको लेफ्ट में सेटिंग्स दिख जाता है, ये हमारे डैशबोर्ड मेन्यू में। इस डैशबोर्ड मेन्यू को आप बंद भी कर सकते हो विद दिस बटन कोलैप्स मेन्यू। अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो ये देखो मेरी मेन्यू यहाँ पे बंद हो जाएगी 10 मिनट, ये रहा। तो अगर मैं उस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरी मेन्यू कुछ ऐसी दिखेगी, जस्ट विद आइकन्स, इसमें इसके नाम नहीं दिखते। अगर मैं इस बटन को वापस से क्लिक करूँ तो मेरी मेन्यू वापस खुल जाएगी, जहाँ देख रहे हैं। सो अगर आपकी मेन्यू सिर्फ आइकन्स में दिख रही है, आपको ऐसा देखना हो तो नीचे आपको ये वाली बटन क्लिक करनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे हमारे डैशबोर्ड मेन्यू को दिखाने में। नेक्स्ट लेट्स सी सेटिंग्स में कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। सो सेटिंग्स में मोस्टली हमारे पास 10 मिनट, ये हमारी मेन सेटिंग्स है, जो कि है जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी, डुप्लीकेट पेज एंड पेंटियन पेज कैचे। ये हमको नहीं मिलता, डुप्लीकेट पेज ये हमको प्लगइन से मिला है, एंड पेंटियन पेज कैचे ये हमारे पेंटियन वेबसाइट का, ठीक है। तो ये दो को छोड़ गए, ये जो प्राइवेसी तक जो चीज़ें हैं ये हर डैशबोर्ड में सेम होती है, हर वर्डप्रेस में सेम होती है। लेट्स मूव टू अवर जर्नल। जर्नल में हमारी वेबसाइट की जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, जैसे कि ऊपर क्या लिखकर आना चाहिए, जैसे ब्लॉग वेबसाइट ऊपर लिखा था, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लूँ तो ऊपर क्या लिख के आना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है ब्लॉग वेबसाइट, तो यहाँ पे देखो लिखा है ब्लॉग वेबसाइट। अगर मैं इसको अभिनव कर दूँ, राइट, अगर मैं इसे अभिनव कर दूँ एंड देन मैं इसे सेव कर दूँ, मैंने इसे सेव कर दिया, अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ऊपर देखना ऊपर ब्लॉग वेबसाइट को अभिनव लिखकर आ गया। सो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के जितने भी स्पेशल फीचर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी वेबसाइट को यूजर्स के पर्सपेक्टिव से देखने में, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे वापस चेंज कर लेते हैं, 10 मिनट हो गया, राइट। इसी के साथ साथ ये इसके साथ टैगलाइन होती है, देन यहाँ पर हमारे वर्डप्रेस का ये हमारे वर्डप्रेस का एड्रेस है, ये बेसिकली कहा जाए तो ये हमारा डोमेन है पूरा। देन नेक्स्ट हमारे हमारे साइट का यूआरएल भी वही है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जीमेल है, जीमेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कल को चल के कोई दिक्कत कोई इश्यूज हो जाए तो हमारी जीमेल से हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी उसके इश्यूज और उसके एक्सेस होंगे वो हमारे जीमेल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर्ड, ये सब चीज़ें हैं। फिर न्यू रोल, डिफॉल्ट रोल, सब्सक्राइबर, अगर कोई सामने से कोई यूज़र आया तो वो एज अ क्या होना चाहिए हमारे वेबसाइट पर, ठीक है। फिर हमारी लैंग्वेज, फिर डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, ये सब यहाँ पे हमें मिल जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है राइटिंग, ठीक है। जनरल के बाद राइटिंग। राइटिंग मतलब क्या कि जब हम कोई हमारे वेबसाइट पे जब कोई पोस्ट एंड ऑल कोई भी कुछ लिखेगा या फिर कोई भी कोई चीज़ कर रहा हो तो वो किस तरह से उसको वेबसाइट दिखनी चाहिए, राइट, किस यूजर्स को किस तरह से होनी चाहिए, हमको किस तरह से होनी चाहिए, तो वो पूरी चीज़ें हमको राइटिंग मिल जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज है। अब कैटेगरी पोस्ट की क्या होती है हम उसके आगे देखेंगे सीखेंगे। नेक्स्ट डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है असाइड, चैट गैलरी, अलग तरीके की चीज़ें हैं, पोस्ट वाया ईमेल, ठीक है, मेल सर्वर, लॉगिन नेम, पासवर्ड, डिफॉल्ट वगैरह वगैरह। देन रीडिंग, अगर हमारी वेबसाइट कोई देख किसी को अगर देखना हो तो हमारी वेबसाइट उसको कैसी दिखनी चाहिए, इट्स ऑल कम्स इन रीडिंग पार्ट। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है या स्टैटिक पोस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टैटिक पेज सिलेक्ट किया है, इसके अंदर होम पेज में देखो होम सिलेक्ट किया है। तो अब जब भी कोई यूज़र इस डोमेन को सर्च मारेगा तो सबसे पहला पेज जो ओपन होगा वो मेरा होम होगा, ठीक है। बट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं हमारे होम पेज को कॉन्टैक्ट पेज से बदल दूँ, ठीक है, और मैं इसे सेव कर दूँ, और अब मैं अपने डोमेन को सर्च करूँ, अपने एड्रेस को सर्च करूँ, तो देखना आप सबसे पहला पेज जो खुलेगा वो देखो कॉन्टैक्ट पेज खोल रहा है, राइट। सो इसी की तरह जो हमारा रीडिंग पेज होता है वो इस सारे इन सब चीज़ों में काम आता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए लिखा है कि ब्लॉक पेज, पर पेज पे कितने ब्लॉक्स दिखने चाहिए, इसके बाद फीड्स कैसे होने चाहिए, फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या फिर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या, आप अलग से एक पैराग्राफ लिखते हो अपने पोस्ट के लिए। फुल टेक्स्ट मतलब क्या कि जो आपने पहले से लिखा हुआ है वहीं से वो पूरे चीज़ों को उठाकर आपको दिखा दे। फिर सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये सब। नेक्स्ट आता है डिस्कशन। डिस्कशन में यहाँ आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि अलग अलग चीज़ें, जैसे कि अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट पे आपको कितनी कंट्रोल होनी चाहिए, यूजर्स क्या क्या कर पाए, ठीक है, तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इसी के साथ साथ मीडिया, आप क्या क्या मीडिया ऐड कर रहे हो, अगर आपने अपने
पोस्ट में मीडिया मीडिया लाइक फीचर्स रखा है कि कोई मीडिया ऐड कर ले, यूजर ऐड कर पाए, तो वो मीडियाज कौन कौन से होंगे, यहाँ पे आप सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। परमा लिंक मतलब क्या, कि कौन कौन से लिंक्स आपके पेजेस होते हैं, पेज के लिंक कैसे होने चाहिए, पोस्ट के लिंक कैसे होने चाहिए, ठीक है, आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें तो उनके लिंक कैसे होने चाहिए, सो वो सब चीज़ें आपको परमा लिंक से मिल जाती है। प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब क्या, यहाँ पे जो वर्डप्रेस की जो प्राइवेसी वो होती है ना, लाइक हम कोई भी ऐप एंड ऑल लेते हैं, वहाँ पे आता है ना प्राइवेसी एंड सपोज, तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखो लिखा है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो अगर आप अपने वेबसाइट के लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये सब चीज़ें हम कवर कर लिए सेटिंग्स में। नेक्स्ट मूव टू अ पोस्ट, अब पोस्ट हम देखेंगे पोस्ट कैसे बनाते हैं, इसी के साथ साथ कैटेगरी कैसे बनाते हैं, पोस्ट को कैटेगरी कैसे देते हैं, कैटेगरी से कैसे निकालते हैं, हम ये सब चीज़ अभी कवर अप करेंगे, ठीक है। बट इसके साथ साथ हम पोस्ट को कैसे यूज़ कर पाएंगे, कैटेगरी कैसे यूज़ कर पाएंगे, आप धीरे धीरे चीज़ें सीख जाएंगे। हमारा मेन एम रहेगा कि हम ओवरऑल पोस्ट स्ट्रक्चर को समझ लें, सीख लें, ठीक है। और आगे चल के हम हो सकता है कि पोस्ट कैसे, हम कैटेगरीज को कैसे यूज़ करते हैं, वो सब देख पाए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल पोस्ट ऐड न्यू कैटेगरी टैग्स। अब टैग्स क्या होता है, कैटेगरीज क्या होती है, ऐड न्यू तो हमें पता ही क्या होता है, ऑल पोस्ट यहाँ पे हमको सारे पोस्ट दिखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टैग्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास टैग्स पड़े हुए हैं। अब टैग्स बेसिकली क्या होता है, टैग्स कैटेगरी की तरह ही होती है, वो हमारे वेबसाइट को और हमारे जो पोस्ट होते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर, वो उन्हें ग्रुप की तरह फॉर्म करने में कोशिश करती है, हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट कैटेगरी और टैग्स दोनों सिमिलर काम करते हैं, हमारे पोस्ट को एक तरह से ग्रुप वाइज क्रिएट करते हैं, उन्हें एक तरह से एक लेबल देते हैं, राइट। पर दोनों में सिंपल सा फर्क क्या होता है, जो कैटेगरी होती है वो हमें बताता है, फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल, जैसे लगे एग्जाम्पल लिया जाए ह्यूमन काइंड के ऊपर, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ ह्यूमन्स, ह्यूमन का मतलब है कि इंसान, राइट, लाइक ह्यूमन एनिमल्स। सो ह्यूमन और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है, कि कैटेगरी में अगर देखा जाए तो एनिमल्स मतलब क्या, जानवर, राइट, ह्यूमन्स मतलब इंसान। अब कोई कोई कहेंगे कि यार लाइक ह्यूमन्स भी एनिमल्स होते हैं, ऑफकोर्स हम भी एक स्पीशीज हैं। तो टैग्स क्या करेगा, टैग्स और स्पेसिफाई कर देगा, लाइक ठीक है, जैसे कि मैन एंड वुमन, राइट, जैसे कि मेल एंड फीमेल, तो टैग्स ऐसे और ज़्यादा अच्छे से उसको कैटेगराइज कर देगा। टैग्स स्पेसिफाई कैटेगराइज करता है और कैटेगरी एक कैटेगरी क्रिएट करके दे देगा, जिसमें हम अपने पोस्ट को एक रिलेटेड फॉर्मेट में उसे हम स्टोर कर सकते हैं और उसे एक बंच ऑफ ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैग्स, देख हम दोनों के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो मैं एक टैग बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं टैग ले लेता हूँ लर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे स्लग्स मतलब क्या, कि ये जब ये इसके जब यूआरएल बने तो मेरा लर्निंग करके जो पोस्ट रहेगा, जो इसके टैग्स रहेंगे, वो कौन से स्लग्स में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्लग्स का मतलब वो होता है, तो मैं इसके लिख दूंगा फिलहाल टैग्स ही, ठीक है, टैग्स, ताकि मुझे मालूम पड़ सके क्या है। देन यहाँ पे कर दूंगा मैं ऐड न्यू टैग। अब ये देखिए यहाँ पे एक टैग बन गया, दैट्स इट। ऐसे ही आप अलग अलग तरीके के टैग्स बना सकते हैं और उसी के साथ उसके स्लग्स भी रख सकते हैं, एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सी कैटेगरी, कैटेगरी कैसे बनाई जाती है, तो कैटेगरी और टैग्स दोनों को सेम तरीके से बनाया जाता है, ये देखो। तो यहाँ पे फिलहाल एक कैटेगरी वो है अनकैटेगराइज, यहाँ पे एक कैटेगरी लेता हूँ मैं लर्निंग डेमो, ठीक है, ये एक मैंने कैटेगरी बना दी, इसका मैंने LERNDEMO रख देता हूँ स्लग। यहाँ पे लिखा है पैरेंट कैटेगरी, लाइक इसकी कोई पैरेंट कैटेगरी है कि नहीं, अगर नहीं है तो रहने दो, मतलब ये खुद एक पैरेंट कैटेगरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर लेते हैं, हो गया। अभी देखिए यहाँ पर एक लर्निंग डेमो करके कैटेगरी बन गई। इसी तरह हम और कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि वेस्ट, मतलब ये कैटेगरी किसी काम का नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसे ही नाम दे दे रहा हूँ, इसका मैंने वेस्ट ही रखा स्लग, अगर आप चाहे तो स्लग नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसको एक पैरेंट कैटेगरी देता हूँ, जैसे लर्निंग डेमो, ठीक है। तो अब पैरेंट कैटेगरी क्या कहता है, देखो कैटेगरीज अनलाइक टैग्स कैन हैव हायरार्की, मतलब क्या, कैटेगरीज को एक हायरार्की हो सकती है, मतलब वो किसी के अंडर या फिर वो किसी के ऊपर हो सकते हैं। यू मस्ट हैव अ जैक कैटेगरी एंड अंडर दैट हैव चिल्ड्रन कैटेगरीज फॉर बीपॉप एंड बाइकॉन, टोटली ऑप्शनल, ठीक है। मतलब क्या, एक पैरेंट कैटेगरी बना लो और उसके अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे कैटेगरीज बना लो, जबकि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने कहा था ह्यूमन और एनिमल, राइट, अब समझ लो मैंने ह्यूमन को एक मेल कैटेगरी मतलब पैरेंट कैटेगरी रखा, ह्यूमन के अंदर मैं रख रहा हूँ मैंस एंड वुमन, ठीक
फिर उसके अंदर हमारे और चिल्ड्रन, उसके अंदर लेकर हमें सीनियर सिटीजन, तो ये सब ह्यूमन के अंदर आ रहा है, वो सब इंसान ही है, पर वो सब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है उनकी एज के हिसाब से, उनके उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के हिसाब से। इसी के साथ मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर लेता हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो वेस्ट के आगे एक लाइन आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने तीन कैटेगरीज बना ली, लेट्स सी हम कैटेगरीज असाइन कैसे करते हैं हमारे पोस्ट को। तो मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ऑल पोस्ट पे गया, मैं यहाँ से एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट। अब ऐड न्यू पोस्ट करते ही देखिए यहाँ पे ऐड न्यू लिखा है, मुझे वापस से एक ऐसा पोस्ट ऐड करने के लिए एक अलग सा यूआई और इंटरफेस क्रिएट करके मतलब ओपन करके दे देगा। लेट्स आई वांट टू मेक अ पोस्ट ऑन बैटमैन, ठीक है, बैटमैन मेरा फेवरेट है, अगर आप लोग को भी बैटमैन फेवरेट है तो बताना ज़रूर। तो ये रहा बैटमैन, बैटमैन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, लेट्स टेक दिस। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं खुद से चीज़ें लिखूँ, तो आई प्रेफर कॉपी एंड पेस्ट। मैं यहाँ पे मेरे बैटमैन के ऊपर एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब पेस्ट कर दे रहा हूँ, बहुत प्यारा। अब मैं टाइटल लिख देता हूँ बैटमैन, ठीक है। अब मैंने इस बैटमैन को कैटेगरी दे दी है। अब बैटमैन मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जो बच्चों को एक एजुकेट करता है, ठीक है, बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करता है, और उसी के लिए बैटमैन अगर देखा जाए तो बैटमैन एक सुपर मार्वल लाइक एक सॉरी मार्वल कह रहे हम, डीसी का एक सुपर हीरो, राइट। तो ये एक लर्निंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट इट्स एन एक फन, इट्स एन एन्जॉयमेंट, ठीक है। तो इसी के लिए इसको अगर मैं एक कैटेगरी देना चाहूँगा तो कौन सी कैटेगरी होगी अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं कैटेगरी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो तीन कैटेगरी है, जैसा कि देखो मैंने कहा था लर्निंग डेमो, लर्निंग डेमो के अंदर देखो एक वेस्ट कैटेगरी है, अगर मैं लर्निंग डेमो को कैटेगरी दे दूँ तो ऑटोमेटिकली वो वेस्ट कैटेगरी उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट कैटेगरी लर्निंग डेमो के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो वेस्ट कैटेगरी है उसका हमने लर्निंग डेमो को एक पैरेंट कैटेगरी बनाया था, ठीक है। तो मैं समझ लो वेस्ट रख देता हूँ, ठीक है, मतलब बैटमैन अभी फिलहाल एक वेस्ट कैटेगरी है क्योंकि ये बच्चों को कुछ सिखा नहीं रहा, तो इसी के लिए मैं उसको खाली वेस्ट में रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको फोटो दे दूँ पहले, ठीक है, ये फोटो यही से ले लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो भी दे दिया इसे, अब मैं इसे पकड़ लेता हूँ पब्लिश, पब्लिश कर लिया। अब अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करूँ, ठीक है, तो अगर ऊपर देखेंगे आप तो उनको बैटमैन लिख के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेट्स सर्च ये रहा। अब ये देखिए यहाँ पे बैटमैन करके मेरा ये जो आ रहा है ये रहा, ये पूरा पोस्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमने एक पोस्ट बना लिया जिसको हमने कैटेगरी दे दी थी, वो कैटेगरी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैटेगरी लिखा है वेस्ट, ठीक है, तो ये वेस्ट कैटेगरी का है। अब वेस्ट कैटेगरी अगर मैं क्लिक करूँ तो वेस्ट कैटेगरी में जितने भी पोस्ट हैं मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, तो फिलहाल बैटमैन करके एक पोस्ट है, बाकी कोई पोस्ट नहीं, तो इसलिए मुझे सिर्फ बैटमैन दिख रहा है। लेट्स मेक अनदर पोस्ट, ठीक है। अब ये पोस्ट समझ लो एक और नया मैं पोस्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट मैं रखता हूँ, इसको बंद कर लेते हैं हम फटाफट, ठीक है। अब मैं एक पोस्ट लिखना चाहता हूँ स्कूल पर, ठीक है। अब ये जो पोस्ट होगा ये बच्चों को एक एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वाई टू चूज, ठीक है, स्कूलिंग, ठीक है, लाइक स्कूलिंग क्यों चूज करना चाहिए हमें, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, विकीपीडिया ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम चीज़ें खुद से लिखने बैठे, तो यहाँ से मैं जाता हूँ फटाफट, यहाँ से मुझे जो जो लाइन्स अच्छी लग रही है मैं ले लेता हूँ, मुझे सब अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये रहा कॉपी, एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे एक कैटेगरी पॉइंट करनी चाहूँगा तो कौन सी कैटेगरी होगी, वो एक हो जाएगी लर्निंग डेमो, क्योंकि ये बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे उसको। और अगर टैग्स देखिए यहाँ पे टैग्स आ रहा है, एड न्यू टैग, वैसे हमने टैग बनाया तो अभी तक ये लगता है इसे टैग्स, अभी तक इसे टैग्स यहाँ पर वो नहीं किया, अपडेट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू टैग कर सकते हैं, तो अगर मैं इसे टैग दे दूँ तो ये टैग हो जाएगा हमारा लर्निंग, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लर्निंग टैग दे दिया, और भी मैं चाहूँ तो टैग्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ इसे, ठीक है, जैसे कि लर्निंग हो गया, उसके बाद हो जाएगा हमारा स्कूल, ठीक है, देन दैट्स इट। अब इसे मैं पब्लिश कर लेता हूँ, और अगर मैं इसे न्यू पेज में ओपन कर लूँ, ठीक है, तो ये देखिए वाई टू चूज स्कूलिंग करके आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये सब लिख कर आ रहा है, फिर ये देखिए यहाँ पे अब मुझे कैटेगरीज में दो आ रहे हैं, एक आ रहा है लर्निंग डेमो, एक आ रहा है वेस्ट।
अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने इसे सिर्फ लर्निंग डेमो का ही एक्सेस दिया था, बट अगर मैं वेस्ट को चूज करूँ, ठीक है, तो वेस्ट में ये चीज़ें नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारा चाइल्ड है, ठीक है, और इस जो हमारा लर्निंग डेमो है वो पेरेंट, पेरेंट कैटेगरी है। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा ये चीज़ वेस्ट में भी जाए, तो अगर मैं यहाँ पे वेस्ट क्लिक करके अपडेट कर लूँ और मैं इसे यहाँ पे अपडेट कर लूँ, तो अब देखो यहाँ पे व्हाट टू चूज होम स्कूलिंग, लाइक व्हाट टू चूज स्कूलिंग भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिंगल कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, चाइल्ड कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी चूज करते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ लेट्स मूव फर्दर, इसी के साथ साथ हम अपने पोस्ट में टैग्स एंड ऑल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने टैग्स दे दिया है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं वाट टू चूज होम स्कूलिंग, लाइक वाट टू चूज स्कूलिंग अगर मैं ओपन करूँ, तो अगर ये पूरा अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो, ठीक है, अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के साथ साथ अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इस वेबसाइट में और स्पेसिफाइड टैग्स रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। मोस्टली जो यूजर्स होते हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं वो कैटेगरीज की हेल्प लेते हैं अपने पोस्ट को और जो भी उनके ब्लॉग्स होते हैं उनको एक बंच ऑफ ग्रुप में रखने के लिए। टैग्स एक तरह से समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पे, राइट, आप इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे देखिए जब हम टैग्स आते हैं, लाइक एक पोस्ट नीचे हम टैग्स करते हैं, हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग ये, हैशटैग वो, तो वो तो टैग्स होते हैं, वो समझ लीजिए कि हमारे टैग्स, लाइक यहाँ पे बेसिकली वो टैग्स हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे एक स्कूलिंग टैग क्रिएट कर देता तो वो स्कूल टैग्स में जो जो टैग, लाइक जो जो ब्लॉग्स को, जो जो पोस्ट को मैंने टैग्स दिया है स्कूल का, वो सारे उस टैग्स को कैचअप करते, और जितने भी टैग्स, जितने भी पोस्ट में जो स्कूलिंग टैग्स हैं वो सब पोस्ट हमें देखने मिल जाते हैं। सो इट सेम गोज फॉर कैटेगरीज ऑल्सो, कैटेगरी में भी जो जो पोस्ट, जैसे लर्निंग डेमो वगैरह जाओ तो लर्निंग डेमो में देखो मुझको सिर्फ एक पोस्ट मिलेगा जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया, वाई टू चूज स्कूलिंग, और बैटमैन भी मिल गया, पर मैंने बैटमैन को तो लाइक लर्निंग डेमो, अगर मैं बैटमैन पे जाओ, एक बार जाते हैं वापस से जस्ट अ मिनट, अगर मैं बैटमैन वाला पोस्ट क्लिक कर लूँ, ठीक है, मैंने बैटमैन वाले पोस्ट को अगर देखा जाए तो मैंने उसको एक चाइल्ड कैटेगरी में रखा था, लाइक वेस्ट कैटेगरी थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस जिस कैटेगरी, लाइक अगर मैं किसी चाइल्ड कैटेगरी को एक पोस्ट असाइन करता हूँ, तो जो हमारा पेरेंट कैटेगरी है वो उस पोस्ट को ऑटोमेटिकली अपने अंदर ले लेगा। तो इसलिए देखो लाइक लर्निंग डेमो के अंदर ये दोनों पोस्ट आ गए, ठीक है। अब अगर मैं इस वेस को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर अपडेट कर लूँ, और यहाँ पे कर लूँ मैं रिफ्रेश, तो अब देखिए यहाँ से बैटमैन हट गया। तो इसी तरह से हमने सीख लिया कि कैसे हम कैटेगरीज यूज़ करते हैं, हम टैग्स यूज़ कर सकते हैं, टैग्स और कैटेगरी कैसे असाइन करते हैं, चूज कर सकते हैं, कैसे हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। अब एक और चीज़, कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपका पोस्ट जब शेयर हो, ठीक है, और उसमें एक इमेज दिखे, तो हमेशा एक फीचर्ड इमेज यहाँ पे डाल दीजिएगा। फीचर्ड इमेज नेसेसरी होता है जब आप अपने पोस्ट को शेयर करते हैं, तो जो इमेज यहाँ पे होगी वही इमेज आपको शेयर होने पे दिखेगी। तो मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देता हूँ कोई भी फिलहाल, तो फिलहाल मैं यही वाला इमेज ऐड करता हूँ, बैकग्राउंड वाला अच्छा लग रहा है, एंड देन अपडेट। तो अब जब भी मेरे बैटमैन वाले पोस्ट को कोई शेयर करेगा तो उससे ऑटोमेटिकली जो बैटमैन का जो फोटो है वो दिखेगा, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि ना वेस्ट में है ना लिंक डेमो में, इसका मतलब है कि हमें इसको बेसिकली इसको एक कैटेगरी पॉइंट करनी पड़ेगी। सो इसे हम कैटेगरी दे देते हैं, अनकैटेगराइज में हम इसे लिंक डेमो कैटेगरी दे देते हैं, ठीक है। अब इसे सिलेक्ट कर रिफ्रेश कर लेते हैं, लिंक डेमो। तो अब ये देखिए यहाँ पे बैटमैन का फोटो आ रहा है, ठीक है। तो ये दिखाना चाहता था मैं कि फीचर्ड इमेज हमेशा काम आता है, तो हमेशा याद रखना कि आप फीचर्ड इमेज अपने पोस्ट में रखें। आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सेटिंग्स होती हैं कि अगर आप चाहें तो फीचर्ड इमेज की जगह ये इमेज जो यहाँ पर है ये भी आपका एज अ ब्लॉग पोस्ट ओपन हो। सो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। हमने सीखा हम कैसे पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट को कैसे कैटेगरीज में रखते हैं, टैग्स में रखते हैं, एंड कैसे हम उन्हें शो करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।